नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नीलम्स किचन यूट्यूब चैनल में। तो संडे की रेसिपी हाजिर है आपके सामने, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही तीखी और चीज़ी रेसिपी। ओहो, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों, बहुत ही मस्त रेसिपी है, छोटी सी। तो आप देख चुके हो क्या है आज बनाएंगे हम, मसाला पाव, चीज़ी मसाला पाव बनाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चले फिर इंग्रेडिएंट्स ले लीजिए, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स है, फटाफट इंग्रेडिएंट्स ले लीजिए, हम झटाझट किचन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम पैन में बटर मेल्ट करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून जितना। आज थोड़ा टॉप शॉट लिया है मैंने, टॉप ऊपर से शूटिंग की है थोड़ी। तो बताइए कमेंट में कैसी लगी आपको ऊपर से ये। 1 से 2 चॉप्ड ग्रीन चिली लेंगे, हरी मिर्च, और उसे भी बटर में अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। उसके बाद प्याज लेंगे 1 चॉप किया हुआ, और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए दोस्तों, और घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको रोज हर बार नए रेसिपी मिल जाए हमारी। और ये 1 चॉप कैप्सिकम डाल देंगे, शिमला मिर्च, आपको हर बार हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले इसके लिए। अब नमक डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो आपने डोनट बनाया कि नहीं दोस्तों, कमेंट में मेंशन कीजिए कि डोनट बनाया और कैसा लगा आपको। तो अब इसमें हम 1 से 2 टीस्पून जितनी जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा कैमरा हिल गया मेरा। तो अब अदरक लहसुन की पेस्ट के बाद थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें टमाटो डालेंगे, 1 चॉप किया हुआ टमाटो है। तो टमाटो को भी अच्छी तरह से गरम कर लेंगे, सबको अच्छी तरह से गरम कर लेना है दोस्तों। इसे हम ग्रेवी नहीं बनाएंगे, इसे हम इसके ऊपर ही मैश कर देंगे, जैसे पाव भाजी को मैश करते हैं वैसे ही। अब इसमें 1 से 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि हरी मिर्च, लाल मिर्च डालेंगे, हरी नहीं, लाल मिर्च है। अब 1 से 2 टीस्पून पाव भाजी मसाला और 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। कैमरा थोड़ा ज़्यादा हिल गया दोस्तों, सॉरी, मैं पहली बार ये ट्राई कर रहा हूँ। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अब नमक के बाद इसको मैश कर देंगे अच्छी तरह से। इसको पैन पे ही मैश करना है दोस्तों, हम इसकी ग्रेवी नहीं बनाएंगे, ऐसे ही इसको मैश कर देना है। और लाइक ठोक दीजिए दोस्तों, आज लाइक का टारगेट रखते हैं 10, ज़्यादा नहीं है, 10 का टारगेट रखेंगे। तो अब अच्छी तरह से मैश कर लेने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा दोस्तों। अच्छी तरह से मैश कर लेना है, पीस देना है अच्छी तरह से हाथों से। अब मैश होने के बाद ग्रेवी को साइड में ले लेंगे, मसाले को साइड में ले लेंगे। अब इसके ऊपर बटर डालेंगे क्योंकि हमें पाव को भी यहीं गरम करना है, हमारे पाव को गरम नहीं करेंगे दोस्तों, खाने के पाव को गरम करेंगे। बहुत गंदा जोक था ये। पाव आ चुके हमारे दो, दोनों को पहले बटर में अच्छी तरह से लपेट लेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से वो मसाला जो नीचे थोड़ा सा है वो भी लग जाएगा, तो अच्छा टेस्ट आएगा दोस्तों। वैसे भी हम मसाला तो डालने ही वाले हैं। अच्छी तरह से गरम करने के बाद अब इसे पलटा लेंगे। अब इसके अंदर जो मसाला हमने बनाया था वो भर देंगे, अच्छी तरह से भर देना है दोस्तों, सब मसाला भर देंगे। आप चाहे तो ये मसाले में शेजवान चटनी है, तीखा चाहिए तो और तीखा बना सकते हो आप, इसे सॉस डाल सकते हो, ऑरेगानो डाल सकते हो, चिली फ्लेक्स डाल सकते हो। यहाँ पे हमने सिंपल रखा है, हमने ऐसा कुछ डाला नहीं है, बट आप डाल सकते हो इसमें। ये सबकी फेवरेट चीज़ आ चुकी है, चीज़, सबकी फेवरेट चीज़ चीज़ आ चुकी है। ओके, तो उसे भी ग्रेट कर देंगे ऊपर। तो ग्रेट करने के बाद हम इसे प्लेट में ले लेंगे और उसके ऊपर भी मसाला लगा लेंगे, थोड़ा सा और मसाला लगा लेंगे। घर में ऐसा लग रहा है दोस्तों कि मैं पाव भाजी के ठेले पे आ चुका हूँ। ऊपर से फ्रेश धनिया लीव्स और ऊपर से चीज़ ग्रेट कर देंगे। तो दोस्तों रेडी है हमारे मसाला चीज़ पाव, चीज़ मसाला पाव, जो भी आप बोलो। आप एंजॉय कीजिए आज के नाश्ते में या शाम के नाश्ते में। हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट एक्साइटिंग रेसिपी में। तब तक के लिए राह देखिए दोस्तों और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।